Hey guys, welcome back to this amazing tour of Vidarbha. Last episode we visited the farms and we checked out the local dishes cooked there. Now it's time to try my hands on it. So let's start with some shopping. तो निकल रहे हैं अभी शॉपिंग के लिए. यहाँ से थोड़ा लंबा है. कल के लिए जो सामान है अलग अलग सेक्शन से स्पाइसेस के वेजिटेबल्स के बहुत बढ़िया है. तो स्पाइस मिक्स का तो आप लोगों ने सुना होगा. सो ये लाइव हो रहा है हमारे सामने. आप अपना कॉम्बिनेशन बता सकते हो. लो उसमें बात भी होती है, वीडियो भी नहीं बात भी होती है. माइक चालू है. बात करते करते हो गया. सारे लोकल फ्लेवर्स आपको मिलेंगे ये वाले मार्केट में. देख लो ना क्या होगा ये ऐसे चार बार. फाइनली आज हमारा कुक ऑफ का डे. विदर्भ में दो क्यूजिन्स है, वाराडी एंड साउजी. वाराडी का जो स्पाइस लेवल है बहुत हाई होता है, बट साउजी का स्पाइस वाराडी से और ज़्यादा होता है. दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस. वेजिटेबल्स को पानी में रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेट गर्म है तो एकदम सूख रहा है. विदर्भ का खाना स्टार्ट करते हैं. तो हम बना रहे हैं अभी सांभर वड़ी. एक्चुअली इसका सांभर से कुछ लेना देना नहीं है. यहाँ का लोकल स्पेशलिटी है विदर्भ का, जो हम बोल सकते हैं ये जो विदर्भ का स्प्रिंग रोल्स है बोल सकते हैं. बहुत ज़बरदस्त स्टफिंग जाता है उसका एकदम यहाँ के मसाले से, एकदम खसखस लगा के उसका डो का तैयारी करते हैं. इसका डो के लिए हमें थोड़ा सा तेल गर्म करना होगा. के डो में बेसन के साथ मैदा मिक्स कर रहा हूँ, तो कॉम्बिनेशन रख रहा हूँ क्योंकि मैदा का ग्लूटेन ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टीज अलग है उसका. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले इट सेफ जिधर भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि नए नए डिशेस है बहुत डिफिकल्टीज होती है. थोड़ा सा टर्मरिक, चिली पाउडर, सॉल्ट, जो तेल गरम किया था इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे. तेल को ये जो फ्लावर के मिक्सचर में उसको इनकॉर्पोरेट करना है. उससे क्या होगा, गरम तेल से स्प्रिंग रोल बनने वाला है सांभर वड़ी, एकदम क्रिस्पी बन के निकलेगा. तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निक है. अच्छे से नीड कर लेता है. इन द मीन टाइम जब हमारे नितिन है या के हीरो अपने रामगांव के, उनके पिताजी हमारे साथ, तो फ्रेश वाटरमेलन, फ्रेश मच्छी अभी खेत में से जस्ट उठा के लेके आए. हमारे सांभर वड़ी का डो रेडी है, उसको थोड़ा रेस्ट करने रख देते हैं. तब तक उसका स्टफिंग बनाते हैं. हल्का सा पीनट को रोस्ट कर लेता हूँ. उसका स्किन फिर निकाल के हल्का सा क्रश कर देंगे उसको हाथ से. तेल में तड़का मारेंगे हम. तो सबसे पहले जीरा, अनियन, थोड़ा गार्लिक. अरे अरे इधर जा रहे हैं मच्छी, डायरेक्ट पैन पे आएगा लगता है. डायरेक्ट करके अनियंस को लाइट ब्राउन कर देंगे. कोकोनट पाउडर, हल्का सा खसखस. ये हमारा स्पाइस मिक्स है जो स्पेशली सांभर वड़ी के लिए लिया था. अब बाबा बोलेगा चल क्या रहा है ये लोग का. सॉल्ट, हल्का सा ग्रीन चिली डाल देता हूँ, थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा. हमारा क्रश पीनट्स, चॉप फ्रेश कोरिएंडर, और इसको फिनिश करने के लिए लेमन. इसी मैंने लेमन डाला, एक अच्छे से एक अच्छा एक एरोमा आया, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है. हल्का सा लेमन जेस्ट, थोड़ा सा रोस्ट होगा. और तो स्टफिंग रेडी है हमारा. हल्का सा लाइटली नीड करके उसको रोल करके उसको स्टफिंग करके विल डीप फ्राइड. इसके एजेस पे हल्का सा पानी लगा दो, एकदम से पकड़ के रहेगा. गर्मा गर्म रेडी है अपने. हमारा जो नेक्स्ट आइटम है खरड़ बोलते हैं यहाँ पे उसको, विच इज़ बेसिकली है ठेचा. तो ठेचा क्या होता है, जो चटनी है उसका कोर्सर फॉर्म है. सो ठेचा एक कॉम्बिनेशन है, ठेचा हो गया, जवार का भाकरी हो गया, एंड साथ में वन अनियन. फार्मर्स फूड बोलते हैं उसको यहाँ पे. सो उसी का हम ठेचा बना रहे हैं. ठेचा एक्चुअली महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग टाइप है. पीनट ऐड होता है, कोकोनट ऐड होता है. तो हम जो यहाँ विदर्भ का जो ठेचा है खरड़, हम वो बना रहे हैं आज. हमारे डिशेस है आज, उसके साथ अच्छा मैच होगा. थोड़ा सा ऑयल, स्लाइटली पार फ्राई करना है, कुछ ज़्यादा पकाना नहीं है. चिलीज को तोड़ के डालूंगा नहीं तो फटेगा तेल में. अच्छा थोड़ा सा गार्लिक, हल्का सा कोकोनट पाउडर, थोड़ा सॉल्ट. इसमें मैं ऊपर से जीरा डाल रहा हूँ. कितना नहीं डाल रहे हो, क्वेश्चन पूछ के बोला. अरे बाबा थैंक यू. बाबा तो मस्त आदमी है बाबा. तुम्हारे को कोई बोला क्या मालूम नहीं, तुम मस्त आदमी. नहीं आपको कुछ बोला बाबा. नितिन तुम्हारा जैसा हो रहा है सेम. इसको ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे. हल्का सा टेस्ट कर लेते हैं. स्पाइसी है, दमदार एकदम. गार्लिक लग रहा है, क्यूमिन लग रहा
हल्का सा सॉल्ट कम लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि डालू कि नहीं, क्योंकि इन्हें वैसे भी स्पाइस और कम सॉल्ट ही पसंद है। तो आई गेस लेट मी जस्ट स्टिक टू इट। तो अभी जो अपना अगला आइटम है यहाँ का स्पेशल, विदर्भ स्पेशल, पाटोड़ी रस्सा बन रहा है। तो बहुत अलग है, यूनिक है, इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा नहीं, जब बनेगा तभी आप खुद देखोगे। थोड़ा ऑयल डालते हैं, मस्टर्ड और जीरा का तड़का, साथ में इसके डलेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जो बेसन और पानी हम लोग एक पेस्ट बनाएंगे, उसको सेट करके उसको काटेंगे हम। तो जो पानी और बेसन का रेशियो है डेट इज़ 1:1, मतलब अगर आप एक कप पानी डालोगे तो उसमें एक कप बेसन आएगा। हल्का सा सीजन कर देता हूँ ये पानी को, थोड़ा सा टर्मेरिक, नमक, अभी इसमें डलेगा अपना बेसन। जस्ट मेक श्योर कि जो बेसन के लम्स है सारे अच्छे से टूट जाए। विल जस्ट फिनिश दिस ऑफ विद सम कोरिएंडर, थोड़ा और एक दो मिनट पका लूँगा उसको, स्लाइट एक कच्चा पर निकल जाए बेसन का। अच्छे से फ्लैट करके सेट करेंगे, कैसे सेजमी टॉस किया इसके, तो कट करते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो चुके हैं हमारे पाटोड़े। चालू है ना आना है? मस्टर्ड, क्यूमिन, बहुत बात करता हूँ भूपेन बोलता है, मैंने बहुत बात करता बोलते हुए नायर, बहुत बात करता है। जिंजर गार्लिक, अनियन, अच्छा ब्राउन कर देंगे। इसमें अभी आएगा यहाँ का जो स्पेशलिटी है कॉम्बिनेशन, सेजमी, कोकोनट पाउडर, और खसखस। अभी जो स्पाइस कॉम्बिनेशन है जो स्पेशली पाटोड़ा रस्से के लिए हमने कल बनवा के लिया था, सो वी आर एडिंग दैट नाउ। बस इसे एक्चुअली ठंडा मसाला बोलते हैं। इसका जो स्पाइस मिक्स है बहुत ज़बरदस्त है, जो एक कूलिंग जो यहाँ पे जो बहुत ज़रूरत है। नमक, फिनिशिंग इट विथ कोरिएंडर। बस अब इसको खाली हल्का सा फटक से ग्राइंड करके ले आता हूँ। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो जो रस्से के लिए जो पीसा हुआ था मसाला, उसमें मैंने तेल ऐड किया था, उसके बावजूद मैं फिर तेल ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट दैट टेरी टू कम आउट, जो तेरी होता है। सो जब निकलेगा आई जस्ट टेल यू कि वो क्या चीज़ है, क्यों है और यहाँ का इंपॉर्टेंस। तो अपने जो रस्से के लिए, पाटोड़े के रस्से के लिए, मैंने इसका पैन चेंज नहीं किया है, जो मसाला भुनने के लिए जिसमें भुना था वही पैन है, क्योंकि वो फ्लेवर है, मेरे को फ्लेवर सारा ग्रेवी में चाहिए, फ्लेवर बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने ये रेसिपी चूज़ किया जो पाटोड़ा रस्सा है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है सारे यहाँ का लोकल फेवरेट्स है, जो यहाँ लोकली यूज़ होता है। अनियंस ब्राउन हो चुके हैं, इसमें अभी चिली डाल रहा हूँ। अभी इसमें आएगा हमारा जो एकदम स्पेशल यहाँ का, इसमें अभी पानी, जैसे मैंने आपको तेरी का बताया था। तो तेरी क्या होता है, कुछ मसालेदार जब आप खाना बनाते हो, स्पाइसेस सब ज़्यादा तेल सब यूज़ करके, तो लास्ट में वो ऑयल छोड़ता है, एक स्पाइसी ऑयल छोड़ता है रेड कलर का, सो दैट इज़ तेरी। ठीक है, जैसे आप मिसल भी खाओगे तो ऊपर तेरी आता है, एक्स्ट्रा तेरी पूछते हो, तो कुछ लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। हेल्थ कॉन्शियस लोग तो भी अवॉइड करते हैं, बट बहुत लोग उसको पसंद करते हैं जो स्पाइस लवर्स है, एकदम फूडीज है। तो जैसे मैंने बताया था ये तेरी ये छोड़ेगा तेल, दिखाना इसको ऊपर से। वॉट पीपल हियर इन विदर्भ डू, ये जो तेरी है कभी भी ये लोग कुछ स्पाइसी बनाते हैं तेरी निकलता है, वो तेरी निकाल के दे कीप इट सेपरेट, तेरी जमा के रखते हैं, दे स्टोर इट द तेरी, एंड जब भी कुछ अगर जब खाना बन रहा है सो दे जस्ट टॉप इट विद दैट तेरी एंड इट। तो वो ऐसा पसंद करता है। आप इधर आप पाटोड़ी को ग्रेवी के साथ पका सकते हो, फ्लेवर अच्छा आएगा, बट मैंने गार्निश के पॉइंट ऑफ व्यू से आई कैप्ट इट डिश में, ऊपर से मैं ग्रेवी डाल के सर्व करूँगा। मैं इंस्टेड ऑफ जवारी रोटी मैं आज जो आटा है आटे का थोड़ा स्पाइसी करके रोटी बना रहा हूँ। थोड़ा आटा लेते हैं, थोड़ा हल्दी, चिली पाउडर, यहाँ का विदर्भ का मसाला, साथ में थोड़ा सॉल्ट, गार्लिक, अनियन, जिंजर और कोरिएंडर, वो इसमें डालेगा। हल्का से इसमें पानी मिला देता हूँ। तो जो आटा है आटे के साथ हम थोड़ा बेसन भी ऐड करेंगे, बिकॉज आवर फूड शुड स्क्रीम विदर्भ। इसमें एक्चुअली हम लोग ने बहुत सारा एडिशन किया है स्पाइस का, चॉप वेजिटेबल्स का, तो उसके वजह से इसको थोड़ा ध्यान से बनाना है। जो फाइनल रोटी है स्पाइसी वाला वो बनाते हैं, के रोटी डाल देते हैं एकदम। नहीं नहीं, ऑनलाइन कितने में मंगाए तू? सॉरी सॉरी सॉरी, भगवान तोड़ मत, गिन के दो है। तो हमारी रोटी रेडी है,
फटाफट अभी ये जो दूसरी वाली रोटी है डाल देते हैं और रिव्यू के लिए भी टाइम हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिव्यू। तो फाइनली हो गया। नमस्कार बाबा, नमस्कार आई। नितिन को तो पहचानते आप लोग। दोन दिवस तुमच्या इकडे अमरावती विदर्भाचं जेवण बघण्यासाठी आलेलो आम्ही प्रत्येक। हेच प्रयत्न केला, रोटी बनवलाय, त्यासोबत ठेचा आहे मिरचीचा, नाही ज्वारीचं, ना घेऊ घेऊ घेऊचं आहे, सांबारवडी आहे आणि पाटोडी बनवायचा प्रयत्न केलाय। तर जरा प्लीज खाऊन सांगा कसं काय आहे चव। आई होती आमच्यासोबत, स्पायसेस सब हम खरीदने गए थे, आई हमारे साथ थी, सो शी गाइडेड अस विद द मसाला एंड ऑल, बट नाउ शी विल टेल अस कि कैसे बनाया हमने। एकदम बढ़िया इकडचा विदर्भाचा। अरे वाह, आई चांगले झाले सांबार वडी एकदम छान। अच्छा असंच असतं इकडे, हा लसूण जिरा एकदम बरोबर। मी सांगणार होतो तुम्हाला काय काय मी टाकलंय, तुम्ही स्वतःहून सांगितलं ते। रोटी हा हा भाकरी म्हणतात त्याला, फार पौष्टिक आहे, ताकदवार आहे, हा दम देणार आहे, काम करेल त्याला दम येईल चांगला। सो आय नेव्हर न्यू दिस थिंग की ये जो फार्मर्स कॉम्बिनेशन, जैसे बाबा बोल रहे कि ये बहुत पौष्टिक होता है, जो फार्मर्स लोग धूप में काम करते हैं ना उनके लिए बहुत फायदेमंद है बहुत। तो ओवरऑल तुम्हाला कसं वाटलं म्हणजे माझा प्रयत्न इकडचं जेवण? काय बात आहे, आई बोली मग बस झालं, मला अजून काय हवं। थँक्यू थँक्यू थँक्यू, नमस्कार बता। सो एक्चुअली वी वर डन एट दैट मोमेंट, बट दीदी इंसिस्टेड कि उनको भी टेस्ट करना था जो मैंने बनाया, बिकॉज दे वर लाइक सरप्राइज्ड यहाँ तक आया एंड मैं यहाँ का खाना बना रहा हूँ करके। तो इनसे भी लेते हैं रिव्यूज आज का। नमस्कार, आई बाबा ने तो ट्राई किया, बस अभी आप भी थोड़ा ट्राई करके ठीक है ना, बगुन सांगता अभी। हाँ सांबार वड़ी छान है, पण तेलकट है, थोड़ा सा ऑयल जास्त है, थोड़ा ओके। मसाला आत मधला छान है, भाकरी पण क्रिस्पी आहे। अच्छा ठीक आहे, डिफरेंट स्टाईल मध्ये आहे, पातोडीची भाजी मी अशी ने खाल्ली आहे, ग्रेव्ही मध्ये खाल्ली आहे थोडी। ओके म्हणजे हेच रस्सा, म्हणजे ग्रेव्ही जास्त असते, ग्रेव्ही जास्त असते आणि तर्री असते खूप सारी, लाल तर्री, तर्रीचं सांगितलं मी व्हिडिओ मध्ये, थोडं कमी निघालं आमचं तर्री, पण टेस्ट कसं आहे म्हणजे? टेस्ट चांगली, टेस्ट छान आहे, छान आहे। असं वाटते पनीरचीच भाजी खाताय, पनीर एवढं तुम्ही एवढ्या बिकट परिस्थितीमध्ये बनवलं, खूपच गरम उष्णता आहे ना आमच्या इकडे विदर्भात, छान झालं, टेस्टी आहे। स्पाइस की जगह से हम आए थे एंड अब ये दूसरी जगह स्पाइस की हम आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर एक खुशी मिलती है। एक्चुअली पूरा धूप में आज पूरा हालत ख़राब हो गया था, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिस प्लेस इज़ नियर टू द इक्वेटर, बट स्टिल वो कंडीशंस में हम लोग ने बनाया खाना। वी टुक ब्रेक्स इन बिटवीन, महाराष्ट्र में हमने रायगढ़ देखा, विदर्भ देखा, बहुत कितना कितना फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है ये दो जगह के खाने में। इसी तरह और जगह जाएंगे, लोगों तक, इंडिया के दुनिया के लोगों तक पहुंचाएंगे कि हमारे इंडिया में गांवों में किधर क्या खाना बनता है, स्पेशलिटी क्या है, सब बताएंगे, हम बाहर निकालेंगे। तो इसी तरह कीप सपोर्टिंग, अब तक और वीडियोस लाते रहूँगा। टिल देन बाय।